सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे, दोपहर 3:30 बजे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कसकाय, केमुनाचो। मैं हूं कार्तिक त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने व्लॉग में, जो कि वेटिंग एपेटाइट, अ व्लॉग ऑन सीतापुर से डिफरेंट फूड फ्लेवर। इसमें हम लोग टाइम जोन में चीज़ें डिवाइड करेंगे। इसमें अपन ये दिखाएंगे कि अगर सुबह तो अपन को कहाँ पे जाना चाहिए और शाम हो रही है या रात हो रही है तो कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, प्लस अपन लोकेशन बताते जाएंगे। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जिनसे बात करेंगे, जिनका शूट करेंगे, उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत हो सके। तो देखते हैं क्या अपना जाता है व्लॉग। सो गेट रेडी, इट्स योर कार्तिक त्रिवेदी, लेट्स गो फॉर माई व्लॉग। हेलो दोस्तों, हम लोग अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रहे हैं पारस के यहाँ से। तो सबसे पहले एक हस्ते से अपने ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी आगे भी बात जो उनसे करेंगे वो तो करेंगे। लेट्स गो। हे गाइस, तो अपन दिन की स्टार्ट पारस के हस्ते से कर रहे हैं, जो कि बहुत यम दिख रहा है अभी। इसमें खस्ता है, ऊपर से छोले और आलू की टॉपिंग कर रखी है इन लोगों ने। तो पहले ये इंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे। और अभी पारस भैया से भी बात करके देखते हैं। नाइस। तो अभी इसको फटाफट खत्म करके नेक्स्ट लोकेशन पे भी जाना है और अभी इनसे बात करते हैं। तो इसका यहीं तक, तो बाकी देखते हैं और क्या क्या अपन सीतापुर में एंजॉय कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो परा दादा, ये तो आप क्या क्या देते हो पहले? तो हफ्ते हैं, भरे हैं, आलू है, कचौड़ी है, चार आइटम। ठीक है, और आप कितने साल से लगा रहे हो पारा दादा? 1982 से लगा रहे हो आप? हाँ। बाप रे, बहुत पुरानी दुकान है। नहीं। अभी कंफ्यूजन है कि कितने साल हो रहे हैं, वो अभी डिसाइड हो रहा है कितने साल से लगा रहे हैं। 2000 तब भी 23 साल हो गए लगाते हुए। पर मैं तो बचपन से ही आ रहा हूं, जब से यहां पे हूं सीतापुर में। तो और रेट क्या है पर ज्यादा चीजों के सबके? जैसे कि खस्ते की बात करें, मैंने खस्ता ट्राई किया है 12 रुपए का। तो 12 का खस्ता मतलब कोई भी वो हाई कॉस्ट वाला सीन नहीं है, बहुत ही लो कॉस्ट में सब कुछ है और स्वाद एक नंबर है। तो थैंक यू दादा, अब चलते हैं किसी और जगह और देखते हैं वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा। तो हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल की मशहूर बाटी चोखा की शॉप पे। तो हमारे साथ अभी अमित जी हैं, तो इनसे बात करते हैं तो कि ये कितने समय से लगा रहे हैं और क्या क्या है और प्राइसिंग क्या है बाटी चोखा की, वो सब अभी इनसे बात करते हैं। तो अमित जी, जी भैया, आप कितने टाइम से बाटी चोखा लगा रहे हैं? यहाँ से लगा रहा हूँ, 3 वर्ष हो गए लगाते हुए। 3 साल हो गए भैया को यहाँ पे बाटी चोखा लगाते हुए। और मेरे को लिटरली सीतापुर में बाटी चोखा इससे अच्छी और कहीं नहीं दिखी है। तो अभी प्राइसिंग आप क्या रखे बाटी चोखा की? बाटी चोखा सादा 20 का दो है, मक्खन हाँ। वाला 25 रुपए का दो पीस है और जो देसी घी का होता है वो 50 का दो पीस है। ठीक है, तो देसी वाले 50 के दो पीस है। तो अपन पहले वो लगवाते हैं और खाते पे बताएंगे कि ये टेस्ट कैसा है और बाकी और चीजें जो कवर है। तो जुड़े रहिए व्लॉग में, फिर आगे देखते हैं और अपन कहाँ पे जा रहे हैं। तो जी पहले दो एक प्लेट लगा दीजिए। तो हमने अपनी बाटी लगवा ली है मुझे इससे। तो पहले एक बाइट लेके देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसा टेस्ट है इसका। तो हमने लिया ये बाटी चोखा, इससे थोड़ा सा कांदा। क्वाइट फैसिनेटिंग। कितने अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। अब पास से देखिए, जैसे आप देख सकते हैं इसमें दाल और प्याज अंदर तक भरा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये जैसी होनी चाहिए, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, ये एकदम वैसी है। तो मेरे हिसाब एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप चोखा बनाते हैं इसका, तो इसमें कोई खट्टा कर देता है, कोई फीका कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मगर अभी जो मैं ये बाटी चोखा खा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अपन ने रियल घी में देसी घी का जो ये बताया था 50 किलो बाटी, वो वाली बाटी चोखा लिया है, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसके बाद अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे। तब तक ये थैंक यू। श्रीकाल बाजी, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ पे?
12 साल हो गए। और आप अभी यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं? मतलब हमारे छोले कुलचे हैं, मिस्सी रोटी है, लच्छा पराठा है, राजमा चावल, कढ़ी चावल। और अभी इसकी कॉस्टिंग आपने क्या रखी है? कॉस्टिंग हमारी बहुत नॉर्मल है, 40 रुपीस होगी पर प्लेट। मतलब 40 रुपए में आपको दो कुलचे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से एक आदमी के लिए सफिशियंट है। तो और इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन हो तो वो क्या है? ये कचहरी पे हमारी आती है, लालबाग कचहरी गेट पे है। लालबाग कचहरी गेट के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी दुकान। पहले तो पीछे लगाते थे, अब ये मेन रोड पे आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी। और अगर आप सीतापुर में हो तो एक बार ये ट्राई करना जरूर बनता है। तो पहले अपन एक प्लेट कुलचे लगवाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हम लोग ने लगवाई है एक मिस्सी एक कुलचा, तो दोनों एक एक करके ट्राई करते हैं। जिससे हम ऑप्शन बहुत सारे थे, कढ़ी भी थी, दाल भी था, राजमा भी था, हमने छोले को प्रेफर किया है। मिस्सी ट्राई किया मैंने, बहुत ज़्यादा स्वाद है। मेरे हिसाब से सरदार जी सही कह रहे थे, एक प्लेट एक आदमी का मोर देन सफिशियंट है, या तो वो मेरी तरह ना हो। और अगर कुलचे की बात करें, मेरे को कुलचे ज्यादा अच्छे लगे। अच्छे दोनों आइटम है, कुलचे को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो इतने सारे तीखे आइटम खाने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा गड़बा गया। तो अभी कुछ मीठा हो जाए तो उसके लिए अपन आए राजू जलेबी भंडार पे। तो अभी राजू भैया से भी बात भी करते हैं अपन, और फिर जलेबी खा के बताते हैं कैसी है। तो राजू भैया सबसे पहले आप ये बताइए, आप कितने साल से बना रहे हैं जलेबी? हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से भैया जलेबी बना रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है जलेबी का प्राइस आपकी? 140। हाँ जी। तो अभी 140 रुपए किलो चल रहा है, 140 पर केजी। तो अपन पहले सबसे पहले एक प्लेट जलेबी लेते हैं और खा के बताते हैं कैसी है। एक प्लेट दही जलेबी लगा दीजिए। तो हम लोग ने लगा लिया अपनी एक प्लेट दही जलेबी, तो वो खा के बताते हैं आपको कैसी बनी है अभी। ये जलेबी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होनी है मेरी दवाई ऑब्वियस है वो। और सीधापुर की अभी तक की भर जलेबी जो है वो मेरे को ये लगी है राजू जलेबी भंडार की। लोकेशन जैसी के सामने की है, और अगर आपको मीठे का शौक है और मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप राजू जलेबी भंडार एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हे गाइस, समय हो गया 7 बज रहे हैं अभी लगभग, और ब्लॉग बनाते बनाते हमारे साथ जो सज्जन है उन्होंने कहा कि पहले भाई कर दिए चाय पी लेते हैं फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फिर मेरे को याद है अगर चाय पीनी है तो हसलर की चाय ज़रूर ट्राई करते हैं, जो कि ब्लॉग में भी हम लोग दिखाएंगे। तो अपन हसलर की चाय आए हुए हैं, मैं वो दिखाता हूँ, और फिर चाय पी के अपन नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। आप अभी क्या क्या देते हो अपनी शॉप पे? अपनी शॉप पे भटूरे, पनीर पकौड़ा, पनीर चिप्स, पालक, बैगन, आलू की टिक्की, आलू का रोल जी, ये आलू बट पकौड़ा, मतलब लगभग लगभग तली हुई सारी आइटम्स लगभग यहाँ पे मिल जाती है एक जगह पे। तो फिलहाल आप मेरे लिए एक प्लेट भटूरे की लगा दीजिए, और बाकी फिर टेस्ट करके बता दें ऑडियंस को कि कैसे है। बाकी चिली आलू मस्त रहा है, आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, एक प्लेट भटूरे लगा दीजिए। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बाइट लेके। छोले भटूरे काफी अच्छे हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये लोग छोले भटूरे में छोला नहीं यूज करते, उसकी जगह मटर सर्व करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। कुछ लोग को हो सकता है कि मटर ना पसंद हो तो उस वजह से ना अच्छी लगे, अगर आप मटर के साथ भटूरे खा सकते हो तो बहुत ही बेस्ट जगह है। और इसका टेस्ट मेरे को अभी तक और जिस चीज़ों की जितनी भी मैंने ट्राई किया तो थोड़ा अच्छा लगा। मैं टॉप पे पंजाबी रसोई रहेगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ईयर जाएगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं मस्त बनारसी पान के पास। ये हसलर चाय वालों ने कहा था कि अगर आप सीतापुर का बना रहे हो सारी चीज़ें तो एक बार यहाँ भी ट्राई ज़रूर करना। तो हम लोग भैया से एक मीठा पान बनवा रहे हैं। तो भैया पहले आप ये बताइए कि आप कितने तरीके के पान देते हैं?
मेरे पास बहुत तरीके के पान है भैया जी, 150 प्रकार के। 150 तरीके के भैया पान देते हैं। अब कितने समय से लगा रहे हैं भैया? अभी तो 6 महीने यहाँ पे हुए हैं भैया। अभी यहाँ पे भैया को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीने ही हुए हैं भैया। आप मेरे को कोई अपने हिसाब से पान सजेस्ट करके खिलाइए। हाँ भाई साहब, फायर पान खा लीजिए एक बार। अच्छा पान भैया का कहना है एक बार फायर पान जरूर ट्राई करो, तो भैया के कहने पे अपने एक बार फायर पान ट्राई करते हैं। तो अपना फायर पान रेडी हो चुका है जी भैया। भैया आराम से। बहुत पान है, पान में कम नहीं है।